दिनों में नंदीशाला में तकरीबन 400 नंदियों का पेट भरने के लिए समाज सेवी लोग सामने आ रही हैं, जो लोगों को बेजुबान जानवरों का सहारा बनने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। जी हाँ, नंदीशाला के संरक्षक दीपक चौहान ने जहाँ नंदीशाला में किश्तों पर एक ट्रैक्टर का दान दिया, तो वहीं सफीदों से नगर परिषद के प्रधान पद के उम्मीदवार गौरव रोहिला ने भी चारा काटने की मशीन दान की। दरअसल अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में दीपक चौहान ने समाज सेवा का धर्म निभाते हुए यह ट्रैक्टर नंदीशाला के नाम किया। इनके साथ ही लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहने वाले गौरव रोहिला भी नंदियों की सेवा के लिए आगे आए, जिन्होंने ट्रैक्टर द्वारा चलाई जाने वाली चारा काटने की मशीन दान की। आपको बता दें कि इससे पहले भी गौरव रोहिला कई तरह की समाज सेवा के लिए सामने आते रहे हैं। चारा काटने की मशीन का शिलान्यास करने के लिए गुरु गोविंद स्कूल प्रबंधक गुलाब सिंह करोड़ीवाल भी नंदीशाला पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए गुलाब सिंह ने गौरव रोहिला की जमकर तारीफ की और साथ ही नंदियों के लिए चारा बोने के लिए अपनी एक एकड़ जमीन भी एक साल के लिए नंदीशाला के नाम देने की घोषणा की। इसी के साथ उन्होंने लोगों से भी प्रार्थना की ताकि लोग भी सामने आकर नंदीशाला में सहयोग दे सके और खास तौर पर ट्रैक्टर की किश्त भरने में भी मदद कर सके। आज मशीन का शिलान्यास किया है आपने नंदीशाला में, नंदीशाला के लिए तो क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। नंदीशाला में गौरव रोहिला जी जो हमारे एमसी हैं और पूरा अगले प्रधान हैं नेशनल कमेटी के, इन्होंने आज जो मशीन यहाँ पर नंदीशाला में भेंट की है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और जो काम इन्होंने किया है, अगर यही काम जो है ना जितने भी हमारे आगू होते हैं लोग, वो अगर वही जो है ना इसी तरह से करते रहें तो गौशाला या नंदीशालाओं में कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी। लोग देने के लिए तो आगे तैयार होते हैं, परंतु लेने वाला कोई नहीं होता, इसलिए लेने वाले भी आगे आने चाहिए और देने वाले भी अपने आप आगे आएंगे। तो इसी के अंदर मेरा एक किला रामका रोड के ऊपर है, उस एक किले के अंदर एक साल तक आप चारा बोइए और मैं जो है ना उसको जो है ना धन्यवाद धन्यवाद। सर, आपने इस मौके पर गौरव रोहिला, दीपक चौहान के साथ साथ अरविंद शर्मा, गुरु गोविंद स्कूल के प्रबंधक गुलाब सिंह, यशपाल सूरी, जयदेव माटा व नंदी गो सेवा धाम सफीदों के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। दिन आ चुकी है जी, क्या देखिए, आज बड़े भाई साहब द्वारा एक ऐसा कार्य किया गया है जिसके माध्यम से 400 से 450 गोवंश हमारे पास है, उनका पेट भरने का कार्य बहुत अच्छे तरीके से होगा। क्योंकि जिस कार्य को हमारे लेबर 5 से 7 आदमी 5 घंटे में करते थे, वही काम जो गौरव रोहिला बड़े भाई साहब हैं, इन्होंने ये मशीन दिलाई है, वो कार्य 1 घंटे के अंदर होगा। तो आप उससे देखिए, जैसे ज्वार का सीजन हो गया तो 2 महीने ये प्रक्रिया चलती है और अपने दानी सज्जन है वो पर्याप्त मात्रा में ज्वार को बोते हैं, तो वो इस प्रक्रिया से लेबर पे वो कट नहीं पाती थी। तो भाई साहब जन्मदिवस पर आए थे तो इन्होंने पूछा था, भाई क्या चाहिए? वहाँ भाई साहब हमें तो नहीं, हम चारा काटने की मशीन की व्यवस्था हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो भाई साहब ने तब भी हाँ बोली थी, भाई साहब आपकी मतलब ये मशीन आपको मिल जाएगी। तो भाई साहब ने अपना वादा पूरा किया है और ये लगभग 64-65 हज़ार रुपये की जो मशीन है उन्होंने यहाँ दिलवाई है, जिससे पर्याप्त मात्रा में भोजन गोवंशों के लिए काट के लाएंगे खेत से और इनको डलेगा। जन्मदिवस पर ट्रैक्टर भी आपने किस्तों पे लिया है जी, जी कितने नंदी है जो इनका पेट भर पाएंगे जी? देखिए, हमने ट्रैक्टर किस्तों पे लिया, 13-14 हज़ार रुपये किस्त है इसकी 2 साल की। तो जो मशीन दिलाई है तो मशीन के साथ ट्रैक्टर होना जरूरी था, जो क्योंकि ट्रैक्टर से ही चलेगी, तो हमने ये लेना पड़ा है। तो मैं सभी समाज सेवियों से या समाज के सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों से और सभी व्यक्तियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप नंदीशाला में ऐसे ही आगे के लिए ये सहयोग कीजिए और ऐसे ही हम व्यवस्था को बढ़ाते जाएंगे। और जो शहर में कुछ गोवंश अभी बाकी हैं, कुछ तो हम लेके आए थे, लेकिन कुछ जो आसपास के गांव के लोग हैं या शहर से भी है उनको छोड़ देते हैं। तो मैंने तो सभी से भी कह रखा है, अभी आप सड़कों पर मत छोड़ो, आप कुछ सहयोग करो और हमारे पास छोड़ जाओ। देखो, बिना सहयोग के तो हम भी नहीं चला पाएंगे, आप कुछ सहयोग कीजिए और हमारे पास छोड़ जाइए, आप सड़कों पर मत छोड़ो।
तो अभी भी कुछ गोवंश है सड़कों पे, तो ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहेगी। गौरव भाई जैसे हमारे सामाजिक आदमी हैं, तो इनका ऐसे ही सहयोग मिलता रहा, तो हम जो सड़कों पर गोवंश है उन्हों भी कुछ जल्दी ही लाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपसे। सुने तो आपका यहाँ आपने अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं अभी सभी मीडिया के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दूसरा विषय ये है कि आज से मेरे ख्याल 5-7 दिन पहले अपने जो ये गोरक्षा दल है या सभी दो भाई नंदीशाला के जो अध्यक्ष हैं दीपक भाई, उनका जन्मदिन था। तो जन्मदिन के मौके पर जब यहाँ पे त्रिवेणी लगाई गई थी तो सब प्रबुद्ध समाजसेवी लोग यहाँ पर आए थे। तो उस वक्त कोई कोई कुछ गिफ्ट दे रहा था, मैंने भी दीपक से बात की थी, मैं आपका जन्मदिन है मैं आपको क्या गिफ्ट दूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं मुझे खुद स्वयं के लिए कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आप नंदीशाला के लिए चारा काटने की मशीन दे दीजिए जिसकी कीमत लगभग 64,000 रुपये के करीब है। तो मैंने उस दिन से वादा किया था कि मैं जल्दी से इसकी व्यवस्था करा दूंगा। तो आज ये 1 हफ्ते बाद बनकर तैयार हो गई है। और आदरणीय श्री गुलाब सिंह जी करोड़ीवाल, जो कि मैं इनसे पढ़ा भी हूँ और इनके मार्गदर्शन में पला बड़ा बड़ा हुआ, और आज मुझे लगता है कि मैं इस किसी भी कदम पर छोटी सी पैड़ी पर भी चढ़ाऊँ तो इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो इस मशीन के उद्घाटन के लिए मुझे लगता था कि इनसे कोई उपयुक्त हस्ती नहीं हो सकती, तो उस चीज़ को देखते हुए क्योंकि इनके मार्गदर्शन में पढ़ा बड़ा बड़ा हुआ, तो इनसे मैंने आज इनका शिलान्यास करवाया है। और मेरे साथ बाकी जो सामाजिक संस्थाएं जो लगी है, विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय श्री अरुण शर्मा जी हैं, सूर्य अंकल हैं, मुकेश वर्मा जी अपने बजरंग दल से आए हैं आज, इसके अलावा श्यामलाल बैरागी जी हैं अपना गुरु नानक सेवा दल, शायद इनका संस्था का नाम है, जो कि दिन प्रतिदिन रोज की रोज समाज सेवा में आप देखते रहते हो कि अग्रणी रहती है। धवन साहब हैं, उसके अलावा न जाने कितनी जो संस्थाएं हैं वो मेरे को इस जो धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं सभी दो की, वो मुझे समय समय पर मार्गदर्शन करती रहती है कि आप ये काम कीजिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको आगे से आगे करने का प्रयास करूँ। अभी नंदीशाला की अगर कायाकल्प देखो, दीपक चौहान ने अपने बलबूते अपनी टीम के बलबूते इसकी कायाकल्प कर दी जी, आपको नहीं लगता कि और समाज सेवियों को आगे आना चाहिए ताकि इसको और नया रूप दिया जा सके? देखिए नंदीशाला और गौशालाएं मुझे लगता है कि ये कुछ वर्षों से ज्यादा अस्तित्व में आई हैं, क्योंकि गौ सेवा बहुत बड़ा धर्म है और ये लोगों को बात धीरे धीरे समझ में आने लगी है कि जो लोग जो आदमी व्यक्ति गौ की सेवा करता है, गौ सेवा में अपने आप को समर्पित करता है, उसे फल गौ माता अवश्य देती है। तो अब लोगों की जागरूकता भावनाएं गौ माता की तरफ बढ़ रही है, और मुझे लगता है कि दीपक भाई जो ये सारा ये कार्य उन्होंने संभाला, इसके संभालने के बाद यहाँ पे काम तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन दानी सज्जनों को भी आगे आना चाहिए ताकि उनके सहयोग से नंदीशाला चलेगी। अब मशीन आपने दे दी और नंदीशाला के जो संरक्षक हैं उन्होंने ट्रैक्टर का भी लिया है किस्तों के ऊपर, उसको लेकर क्या करें? देखिए किस्त इसकी मेरे ख्याल 13,000-14,000 रुपये महीना किस्त है ट्रैक्टर की। कोशिश करेंगे कोई ना कोई व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे, हर हर महीने कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से किस्त भरवा दी जाए। तो किस्तों पर ट्रैक्टर लिया गया है जी। अभी मशीन तो दिलवा दी लेकिन चलाने के लिए ट्रैक्टर चाहिए था, लेकिन ट्रैक्टर भी मैंने इनको कहा है कि आप किस्तों पे ट्रैक्टर ले लीजिए धीरे धीरे क्योंकि किस्तें तो हर महीने जाएंगी, तो कोई ना कोई व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।